वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के सामने 242 रनों की चुनौती रखी थी, लेकिन इंग्लैंड 50 ओवरों में 241 रनों पर ऑल आउट हो गया, जिसके कारण मैच टाई हो गया। इसके बाद मैच सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने 16 रनों की चुनौती रखी। सुपर ओवर में भी मैच टाई हो गया। इंग्लैंड को ज्यादा बाउंड्रीज लगाने के कारण विश्व जेता घोषित कर दिया गया। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड को आखिरी गेंद पर सुपर ओवर में 2 रनों की जरूरत थी। जोफा ऑर्चर्स की आखिरी गेंद पर मार्टिन ने 2 रन नहीं बना पाए, दूसरा लेने से क्रम में ही रन आउट हो गए। खुद सके रन आउट होने पर न्यूजीलैंड के वर्ल्ड कप फाइनल हारने के कारण मार्टिन गल्टन का दिल भर आया। मार्टिन रन आउट होते ही वहीं पिच पर बैठकर रोने लगे। ऐसे में मार्टिन को रोता देख इंग्लैंड के क्रिस फॉक्स ने भी जश्न मनाना छोड़ दिया। गिल्टन के पास गए, उन्हें ढांढस देने की कोशिश की। इंग्लैंड खिलाड़ियों ने मार्टिन के दुख में अपनी खुशी की कुछ देर छिपाकर क्रिकेट फैंस को दिल जीत।